दोस्तों हाल ही में मुकेश अंबानी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि जब पूरा भारत महंगाई से परेशान है तो उसी वक्त मुकेश अंबानी ने पानी में तैरने वाला अरबों रुपए का एक महल खरीद लिया है। अब अमीर लोगों के नवाबी शौक की चर्चा आखिर हो भी क्यों नहीं। आखिर जब पूरा भारत कोविड-19 की वजह से परेशान था तो उस वक्त भी मुकेश अंबानी की कमाई लगातार बढ़ती जा रही थी, और जब कमाई इतनी अधिक हो तो फिर अरबों रुपए का कोई घर खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार मुकेश अंबानी चर्चा में इसलिए आ गए क्योंकि ये घर जमीन पर नहीं बल्कि पानी में तैरने वाला घर है। आज हम आपको बताते हैं मुकेश अंबानी के उस लग्जीरियस पानी में तैरने वाले महल के बारे में, जिसकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि मुकेश अंबानी इस वक्त एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और अमीर होने के साथ साथ उनकी चर्चा पूरी दुनिया में इसलिए होती है क्योंकि वो खर्चा भी बेशुमार करते हैं। हाल ही में उन्होंने पानी में तैरने वाला जो महल खरीदा है उसे देखकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। ये यार्ड बिल्कुल घोड़े के नाल के आकार का है, जो 24 घंटे 365 दिन समुद्र में तैरता रहेगा। मुकेश अंबानी के इस लग्जीरियस महल की लंबाई 58 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है, यानी इतनी बड़ी जगह जितने में मिडिल क्लास का 50 परिवार आराम से रह सकता है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम मुकेश अंबानी के परिवार के बारे में वो सब कुछ एक एक करके बताएंगे। मुकेश अंबानी के उस समुद्री महल में सिर्फ और सिर्फ 12 यात्री आराम से रह सकते हैं, और उनकी देखरेख के लिए 20 क्रू मेंबर्स की रहने की जगह भी है। मुकेश अंबानी के इस नए महल की सबसे खास बात ये है कि इसे पानी में तैरते रहने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये समुद्री यार्ड आधा से भी अधिक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, इस यार्ड का पूरा ऊपर हिस्सा सोलर पैनल से ढका है, और सूर्य से आने वाली ऊर्जा से ही मुकेश अंबानी के महल के अंदर सारी जरूरतों को पूरा किया जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस यार्ड का ऊपरी हिस्सा पूरा का पूरा सोलर पैनल से ढका होने के बावजूद भी वहां कभी अंधेरा नहीं होता। सूर्य की रोशनी हर वक्त यार्ड के हर कोने में पहुंचती रहती है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपने समुद्री महल के ऊपर जो सोलर पैनल लगवाया है वो भी मुकेश अंबानी की तरह ही सबसे यूनिक और सबसे खास है। इंजीनियर ने इस सोलर पैनल को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया है। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां पर ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया हो। उस जहाज के ऊपर 9,700 वर्ग मीटर में सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे 500 वाट तक की बिजली पैदा होती है। उस जहाज के अंदर तीन बड़े बड़े एरिया, एक 25 मीटर चौड़ा स्विमिंग पूल, उस जहाज के ऊपर ही एक भारी भरकम हेलीपैड, म्यूजिकल रूम, डाइनिंग रूम, सिनेमा, हर एक चीज मौजूद है। इस जहाज के ऊपर एक खास तरीके की छत भी तैयार की गई है, जिसके ऊपर बैठकर समुद्र का खूबसूरत नजारा लिया जा सकता है। यकीन मानिए, अगर आप मुकेश अंबानी के तैरने वाले महल को पास से देखेंगे ना, तो आपकी निगाहें थम जाएंगी। दरअसल मुकेश अंबानी के पास पैसे ही इतने ज्यादा हैं कि उनके हर चीज इतने खास हो जाती है। खैर, ये तो हो गई उनकी नई नवेली वर्ल्ड क्लास समुद्री महल की बात। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं मुकेश अंबानी से जुड़ी कुछ ऐसी लग्जीरियस चीजों के बारे में जो अब तक आप नहीं जानते होंगे। यकीनन इस वक्त आप हमारे इस वीडियो को जिस मोबाइल में देख रहे होंगे वो या तो सैमसंग, MI, ओप्पो या वीवो जैसे मोबाइल फोन होंगे। आप में से कुछ ज्यादा अमीर होंगे तो हो सकता है उनके पास आईफोन की कोई रेंज मौजूद हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी कौन सा मोबाइल फोन यूज करती हैं? आगे और भी राज खुलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। मुकेश अंबानी के पास इतने अधिक पैसे हैं कि मोबाइल भी थोड़ा अलग होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जो मोबाइल फोन चलाते हैं उस मोबाइल के बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी आईफोन ही चलाते हैं, लेकिन उनका आईफोन आपके आईफोन से काफी अलग होता है। उनके आईफोन का नाम फाल्कन सुपरनोवा आईफोन है, और ये आईफोन पूरी दुनिया का सबसे खास और सबसे अलग आईफोन है, जो पूरी तरह से गोल्ड से बना है। इतना ही नहीं, इस आईफोन के पीछे हीरे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लगा हुआ है। अगर बात इसकी कीमत की करें तो यकीन मानिए, मुकेश अंबानी के एक फोन की कीमत इतनी अधिक है कि इतने पैसों में तो पूरे मोहल्ले वालों के लिए आईफोन खरीदे जा सकते हैं। आपको बता दें, मुकेश अंबानी जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं उस आईफोन की कीमत 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते होंगे, तो आपके महीने का बजट गड़बड़ा जाता होगा।
क्योंकि अच्छे रेस्टोरेंट में एक बोतल पानी भी कम से कम 50 से 75 रुपए में मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वो आदमी कौन सा खाना खाता होगा और कौन सा पानी पीता होगा जो पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप मुकेश अंबानी के परिवार के खाने पीने के बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों हमारे जैसे लोग जब कभी बाहर जाते हैं तो हम मुश्किल से 10 या 15 रुपए में एक चाय पीते हैं, लेकिन वहीं यही चाय मुकेश अंबानी के परिवार वाले भी पीते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के परिवार वाले किस कप में चाय पीते हैं, उस एक कप की कीमत 3 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती है, क्योंकि मुकेश अंबानी के लिए जो कप डिजाइन करता है वो कंपनी पूरी दुनिया की सबसे महंगी कप को तैयार करती है। खैर ये तो बात हो गई चाय की, लेकिन अब बात कर लेते हैं पानी की। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी के बारे में सुना होगा, जैसे कि विराट कोहली तो 2000 रुपए लीटर वाला पानी पीते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी तो इससे भी 1000 कदम आगे हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जिस बोतल में पानी पीते हैं ना, वो बोतल पूरी तरह से सोने से बनी हुई होती है। इस बोतल को एक बड़ा ही खास डिजाइन से तैयार किया जाता है जिसमें सिर्फ 750 ml पानी आता है, लेकिन इसके बावजूद इस एक बोतल की कीमत 40 लाख रुपए होती है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जिस बोतल में पानी पीती है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने में तो कई मिडिल क्लास परिवार का पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब पास में पैसा हो तो दुनिया हमारे मुट्ठे में होती है। खैर बात जब घर की हो ही गई है तो क्यों ना हम मुकेश अंबानी के घर की बात कर लें। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि मुकेश अंबानी जिस घर में रहते हैं वो घर पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर है। वैसे तो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस वक्त एलन मस्क है, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी के पास ही है। ये घर इतना बड़ा है कि इस घर के अंदर साफ सफाई, देख रेख और हर जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ 24 घंटे 600 से ज्यादा नौकर तैनात रहते हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के अंदर हर एक चीज मौजूद है जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, पार्किंग, हर एक चीज, यहाँ तक कि इस घर के ऊपर हेलीपैड भी मौजूद है। हमारे भारत में करोड़ों घर ऐसे हैं जिसके अंदर एक बाइक खड़ा करने की जगह नहीं होती, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने लिए जिस घर को तैयार कराया है उस घर के अंदर 200 से ज्यादा लग्जरी कार को खड़ा करने की जगह है। तो मुकेश अंबानी के पास एक या फिर दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लग्जरी कार मौजूद है। इनमें से कुछ कार तो ऐसी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी के जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके लिए भी मुकेश अंबानी BMW जैसी गाड़ियाँ रखते हैं। इन सब के अलावा मुकेश अंबानी के पास कई प्राइवेट हेलीकॉप्टर मौजूद है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी के पास कई सारे प्राइवेट जेट भी हैं, जिनमें सबसे खास है Falcon 900। मुकेश अंबानी ने इस प्राइवेट जेट को 600 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुकेश अंबानी का ये प्राइवेट जहाज हवा में उड़ने वाले किसी महल से कम नहीं। इन सब के अलावा मुकेश अंबानी और उनके परिवार के शौक की बात करें तो उनके शौक भी बड़े महंगे होते हैं। साल 2008 में जब BCCI ने IPL खेल का शुभारंभ किया तो उस वक्त मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने भी शौक शौक में IPL में एक टीम को खरीद लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी के इस IPL टीम मुंबई इंडियंस की कीमत इतनी ज्यादा है जितने में पूरी की पूरी पाकिस्तान प्रीमियर लीग को खरीदा जा सकता है। शायद उसके बाद भी मुंबई इंडियंस की बराबरी नहीं की जा सकती। मुकेश अंबानी की मुंबई इंडियंस इस वक्त IPL की सबसे महंगी टीम मानी जाती है। इन सब के अलावा मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के पास करोड़ों रुपए की कीमत वाले ड्रेसेस मौजूद हैं। खबरों की माने तो नीता अंबानी के पास ड्रेसेस की इतनी लंबी चौड़ी रेंज मौजूद है कि किसी ड्रेस को एक बार पहनने के बाद दूसरी बार उसे ड्रेस को पहनने का कभी मौका ही नहीं मिलता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबानी परिवार के पास कितना पैसा है। कभी समुद्र में तैरने वाला महल, कभी हवा में उड़ने वाला महल, कभी करोड़ों रुपए की कीमत वाला आईफोन, तो कभी पानी पीने के लिए 40 लाख रुपए की बोतल। पर वो बात अलग है कि इसी भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी मौत भूख की वजह से हो जाती है। क्या सिर्फ पैसे कमा लेना और उसे उड़ा देना ही सब कुछ होता है? क्या एक अमीर आदमी को अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? खैर इस बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।